सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज पर सत्य का ध्यान दिलाता है भागवत पंप प्रमोद शास्त्री जी। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया से है, जहां पूर्व में ईश्वर सत्य है और यह संसार मिथ्या है, ऐसा आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। यह जगत स्वप्नवत है, ऐसा रामचरितमानस कहता है। भाव यह है कि भगवान सत्य है, यह संसार भी सत्य ही है, परंतु पर सत्य यह है कि यह संसार हमारा नहीं है, संसार की कर्तार का है, हमें मात्र उपयोग हेतु मिला है और हम इसे अपना मान बैठे ही है, यही हमारे बंधन और दुख का कारण है। उपपतिपुर गाँव में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन पंप प्रमोद शास्त्री जी ने कही, परीक्षित को श्राप। परीक्षित एवं कली संवाद में आपने बताया कि परीक्षित ने कलिकाल को रहने हेतु चार स्थान दिए, क्रमशः जुआ, शराब, परनारी एवं हिंसा। पुनः कली के प्रार्थना करने पर एक स्थान और दिया, जो सोना है। इसका तात्पर्य यह है कि जुआ अर्थात झूठ, शराब अर्थात मद, परनारी अर्थात काम वासना, हिंसा अर्थात द्वेष, बैल और हिरण अर्थात अन्याय से कमाया गया धन, इनमें कल का वास है। हर इंसान को इन पांचों चीजों से बचना चाहिए। यदि अन्याय का धन घर में आएगा तो निश्चित ही पूरे परिवार पर इसका असर पड़ेगा और संस्कार भ्रष्ट होगा, जिससे अंततः दुखी मिलेगा। कथा के पूर्व मुख्य यजमान अशोक सिंह पत्रकार ने ग्रंथ पूजन एवं व्यास पूजन करके महाराज जी से आशीर्वाद लिया। मानव तन प्राप्त करने का लक्ष्य मात्र एक है, जीवन के प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। खाना पीना सो जाना तो सब 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 करते हैं लोग। भागवतकार कहते हैं, आत्मनिर्देहम सुलभम सुदुर्लभम, आद्यम मृदेहम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य शरीर प्राप्त करना या मनुष्य शरीर सुलभ हो, यह असंभव है, सुदुर्लभ है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करना ही दुर्लभ है। अच्छा, इसी बात को रामदेव मानस गोसाई महाराज भी कहते हैं, सुर दुर्लभ। अच्छा, हमारे आपके लिए दुर्लभ नहीं है, देवताओं को भी दुर्लभ है, समझो। अच्छा, हम कितना बड़ा आलीशान मकान बना लें, अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीद लें, अच्छी व्यवस्था में रहें, क्या स्वर्ग से बढ़िया व्यवस्था हमारी होगी? जो देखो, स्वर्ग देखा नहीं है हमने, ना आपने देखा है, लेकिन जो सुना है उसके अनुसार ही जरा विचार करो। लोग कहते हैं ना, अरे ऐसा घर बनाए स्वर्ग है, स्वर्ग की तुलना करते हैं, मतलब स्वर्ग तो है तुलनात्मक है। अच्छा, हम अपनी व्यवस्था यहाँ नाना प्रकार का उत्तर कर लेते हैं, लेकिन विचार करो, जिसकी जिस व्यवस्था में रहने की का प्रयास करते हैं, उस व्यवस्था का नाम लोग कहते हैं स्वर्ग की तरह है, मतलब स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग की तरह है। अच्छा, स्वर्ग में रहने वाला देवता भी हमारे इस शरीर को प्राप्त करने के लिए उनको भी दुर्लभ है। मतलब कितनी बड़ी कृपा भगवान ने करी हमारे आपको, समझो, ध्यान समझना मेरी बात, कितनी बड़ी कृपा की है। मानसकार कहते हैं, गोसाई जी महाराज कहते हैं, मेरा मेरे बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को भी यही दुर्लभ है। क्यों प्रश्न?